दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में शिव पूजन, रुद्राभिषेक, जप और महामृत्युंजय यज्ञ का हुआ आयोजन, जिसमें सांसद विजय बघेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने बनाए मिट्टी के शिवलिंग। गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गुरुवार को शिव पूजन, रुद्राभिषेक, जप व महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद विजय बघेल अपनी पत्नी के साथ इस रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 125,000 ज्योतिर्लिंग बनाकर उनका अभिषेक किया। इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि वे इस आध्यात्मिक आयोजन के माध्यम से भगवान से प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कामना भी कर रहे हैं और प्रदेश को खुशहाल रखने की कामना भी कर रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग सांसद विजय बघेल व भाजपा दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति के अनुसार पुरातन काल से ही और देवताओं ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की परंपरा की शुरुआत की और आज बहुत शुभ दिन है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है और उसका अष्टमी का दिन है, दुर्गाष्टमी है, तो दुर्गा मैया शिव और शक्ति का मिलन दुर्गाष्टमी के दिन हो, ये हम सब इस शिवलिंग बनाने के इस जो सामूहिक एक कार्य हो रहा है हमारे इस पवित्र स्थल में शक्ति के, भगवान शिव हमें शक्ति दे, माँ दुर्गा हमें शक्ति दे, इस भाव के साथ हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित है। सभी पदाधिकारी हैं, सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं स्वयं अपने पत्नी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, आदरणीय भैया जयराम जी और बहन रमशीला जी, पति पत्नी दोनों हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ हमारा भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में शराबखोरी ना हो, छत्तीसगढ़ में जो आज धर्मांतरण हो रहे हैं उस पर रोक लगे, छत्तीसगढ़ में जो लूट चला है वो लूट समाप्त हो। हमारे महापुरुषों ने इस छत्तीसगढ़ की कल्पना जिस रूप में की थी कि हमारा छत्तीसगढ़ बने, तो ये किस रूप में हो, क्योंकि शांति का टापू हमारा छत्तीसगढ़ माना जाता है, लेकिन आज वो स्थिति पूरा धूमिल हो चुकी है, पूरा छत्तीसगढ़ जल रहा है, लूटपाट चल रहा है, उसके लिए हमारे माँ दुर्गा और शिव भगवान शिव हमें शक्ति दे और उस शुभ कार्य में हमको सहभागी बनाए। के समस्त नेता, कार्यकर्ता, बंधु, बहनें सब मिल के भगवान भोलेनाथ के 125,000 शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक करेंगे। ये भगवान भोलेनाथ जो है संसार के पालनहार है और आज गुप्त नवरात्रि के अष्टमी का शुभ मुहूर्त है, माँ जगत जननी जगदम्बा का भी व्रत चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग बनाने का आयोजन इसलिए किए हैं कि सबके मंगल कामना के लिए आयोजन किया गया है। वहीं गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भाजपा कार्यालय में आयोजित हो रहे इस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम को पूरे विधि विधान से संपन्न करा रहे पंडित आचार्य ने कहा, नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और निश्चित रूप से 125,000 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक लक्ष्य प्राप्ति में सहायक साबित होगा। ये गुप्त नवरात्रि का आज अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का दिन कहलाता है। महागौरी के दिन भगवान शिव के साथ माँ गौरी की यदि पूजा की जाए शास्त्रों के अनुसार, तो इससे मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। शास्त्र ये भी कहता है कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, जिस बिल्व पत्र के दर्शन से ही, स्पर्श से ही पापों का नाश होता है, उस बिल्व पत्र से। और पार्थिव शिवलिंग का सबसे अधिक महत्व माना गया है, सोने का हो, चांदी का हो, हीरे का हो, उससे भी अधिक शास्त्र में पार्थिव शिवलिंग का महत्व सबसे अधिक बतलाया गया है। इसलिए सर्वजन कल्याण के लिए आज भाजपा कार्यालय में महाअष्टमी तिथि को, नवरात्रि के पावन पर्व पर 125,000 शिवलिंग निर्माण करके उसका महाअभिषेक एवं महामृत्युंजय के द्वारा यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, ताकि जो वैश्विक महामारी फिर से समाज में आगे बढ़ रही है, आ रही है, उस महामारी से हम सब मुक्त होकर के भगवान की आराधना कर सके, सुखी रह सके। भाजपा कार्यालय में आयोजित रुद्राभिषेक के इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने हाथों से मिट्टी के 125,000 शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया और भगवान शिव के भजनों के बीच उनकी आराधना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।